तो वेलकम बैक दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि Redmi ने अपने Redmi Note 13 सीरीज को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हमेशा की तरह आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसमें Redmi Note 13 Pro Plus के ऊपर वीडियो बना दी आपको आई बटन पर मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे Redmi Note 13 Pro के बारे में, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो काफी सारे अपग्रेड के साथ आया है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर क्या कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिलता है, साथ ही में ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर इस बार इसका डिजाइन और भी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बैक के साइड में ग्लास पैक दिया गया है और यहाँ पर जिसका कैमरा मॉड्यूल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ट्रिपल कैमरा लेंसेस होगा स्क्वायर शेप कैमरा हाउसिंग के अंदर, और जिसका साइड का फ्रेम है वो भी फ्लैट होगा, यानी कि बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगा, जिससे कि फ्रंट में आपको पंच होल वाली एक फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिजाइन फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजुलेशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले होगी, और ये 12 बिट का एमोलेड पैनल होने वाला है, जिसके साथ मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है, और इसके जो चिन्ह और बेजल्स होंगे वो भी काफी पतला और थिक देखने को मिल जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस फोन के अंदर आपको एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चलिए और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का पावरफुल 5G चिपसेट, जो कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और काफी पावरफुल चिपसेट है। वैसे देखा जाए तो ये चिपसेट मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर है, बाकी इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड रैम स्टोरेज यहाँ पर आपको 8/128 एंड 12/256 GB तक का रैम और स्टोरेज फ्रेम देखने को मिलेगा। LPDDR4X की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 2.2 का सपोर्ट मिलने वाला है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ MIUI 14 पर रन करेगा। एंड इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर बात रहे इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन कैमरा मिल जाता है 200 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ, जिसमें Samsung का HP3 वाला सेंसर मिलने वाला है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है, और इससे आप 4K at 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। बस देखना होगा कि ये रियल लाइफ में कैसी ऑप्टिमाइजेशन करके देता है, वैसे यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं फ्रंट साइड में एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 5100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसको चार्ज करने के लिए 67W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलने वाला है, और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, डुअल स्पीकर, आईआर ब्लास्टर और 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया गया है, और इंडिया में ये नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर फरवरी तक देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट की चाइना प्राइस 16,000 रुपए रखी गई है, और इंडिया में ये 20,000 से 22,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब देखना होगा कि ये सारी स्पेसिफिकेशन इस प्राइस पॉइंट के अंदर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है या फिर नहीं, या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर कमेंट बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था वाली वीडियो के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।